हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिनव राजस्थान पार्टी ने मनुहार पैदल मार्च निकाला, आमजन को बताई पार्टी की नीतियां। आगामी विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे अभिनव राजस्थान पार्टी ने आमजन को अपनी रीति नीति से अवगत करवाने के लिए सोमवार को मनुहार पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च शहर के इलाकों में घुमा और बाद में एक सभा का आयोजन भी किया गया। अभिनव राजस्थान पार्टी के स्टेट काउंसिल मेंबर सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अभिनव राजस्थान पार्टी भी भाग ले रही है। पार्टी प्रदेश की सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। चुनावी माहौल में आमजन को पार्टी की नीतियां से रूबरू करवाने और तैयारियों को लेकर सोमवार को मनुहार पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च नेहरू पार्क से शुरू हुआ, जो सरदारपुरा सी रोड, जलजोगा चौराहा, बारहवीं रोड चौराहा, बॉम्बे मोटर चौराहा, जालोरी गेट चौराहा, सोजती गेट, रेलवे स्टेशन, ओलंपिक तिराहा होते हुए वापस नेहरू पार्क पहुंचा। यहां एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे अभिनव राजस्थान पार्टी के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों और नीतियों के बारे में जानकारी दी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।